गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है 3D डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डी डायमेंशन ज्योमेट्री ठीक है, इसके लिए वही है, मान लिया थ्री अक्षर है आज के लिए, थ्री अक्षर है सच दैट इट इज द ओरिजिन, इट इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई दैट देर आर थ्री अक्षर ओ एक्स वाई। इफ देर आर ए लाइन सच दैट ओ पी दैट इज ओ पी द एक्स एक्सर मेक्स एंगल विद ओ पी एल्फा and y axis is beta and z axis is gamma, that is alpha beta are the gamma are the angle of making to the x axis y axis and z axis respectively. ठीक, that is this is the cosine यानी cos alpha cos एल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस गामा, ये कहते हैं द कोसाइन, इसके कोस कोसाइन ऑफ, यह कोसाइन और इनके कोस एल्फा एल्फेंट्स डायरेक्शन कोसाइन, एक्स एक्स के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, दिस इज डायरेक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्स इज 1,0,3 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्स इज 0,1,0,0,1,0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सेस 0,0,1 दैट इज ये ओपी की डिस्टेंस आर है, ओपी की डिस्टेंस कितनी है, आर है, एक कोई लाइन है ये इसके है, ओपी की डिस्टेंस आर है और मेकिंग एंगल कितने बना दिए हैं, एल्फा बीटा एल्फा बीटा गामा बना रहे हैं, ओपी इक्वल टू आर, इसके डायरेक्शन को लाइन क्या कहलाते हैं, ये एल एम एन क्या कहलाते हैं, इसके इसके डायरेक्शन को लाइन क्या कहलाएंगे, एल एम एन, एल एम एन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल एम एन यदि OP इक्वल टू R है तो एलिमेंट क्या जाएंगे, R cos alpha क्या जाएंगे, R cos alpha क्या जाएंगे, R cos alpha ये क्या है, R cos alpha या ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट से R cos alpha, R cos alpha, R cos beta, R cos gamma, ये इसके डायरेक्शन के लिए क्या कहलाएंगे, आर कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये यही क्या होते हैं, ये जो है आर एल एम एन भी होते हैं और इसका फॉर्मूले क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्या होता है हमारा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई,
अगर मान लिया ओपी इक्वल टू आर है, आर को ये जिस पे आ गया, तो मान लीजिए कोई आर अगर वेक्टर हो, क्या आ गया आर वेक्टर हो, जैसे हमने पहले पहले क्या पढ़ा था, वेक्टर में, वेक्टर में अगर 3 डायमेंशन का कोई मान लिया, तो उसे मानते हैं ए आई कैप बोले बी जे कैप बोले सी के कैप, इस तरह का कोई 3 वेक्टर पढ़ा था, मान लीजिए आर कोई वेक्टर है, क्या कि आर कोई वेक्टर है ये, तो ये आ जाएगा क्या एल एम एन, इसके डायरेक्शन को देंगे फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एल प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है जी, मान लिया अब क्या है, आर इक्वल टू वेक्टर है, आर इक्वल टू वेक्टर कहेंगे को ले जाओ, आर इक्वल टू वेक्टर, आर वेक्टर का डायमेंशन तो मोड ये लगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये आ जाएगा यानी कि आर वेक्टर अपॉन मोड आर इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, क्या जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये कैप हो जाएगा। ठीक, अभी बताया था मैंने ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मोड ए अगर ये होता है, ये ए कैप के प्रॉपर्टी ठीक इसी तरह से आर कैप इक्वल टू ये आ जाएगा आर इक्वल टू ये। अच्छा देखो, अगर अभी अभी हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी फोर्थ थी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो रहा था, ये फिर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो कह रहा मोड ए मोड बी इक्वल टू कोस थीटा, ये 2 डायमेंशन में हमने पढ़ रखा है, इससे पहले वेक्टर भी पढ़ा था ए डॉट वेक्टर, ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड बी ए बी कोस थीटा। ठीक, अगर कोई इसी तरह से अगर यहां से वही है ग्राफ था, वही ये ग्राफ था, ये ओपी है, क्या है ओपी, इफेक्ट इसकी डिस्टेंस ओपी निकालने हो, ओपी इक्वल टू मान लिया क्या है इसकी डिस्टेंस ओपी, ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर ओपी के वेक्टर क्या आती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये ओपी क्या था, ये ओपी एक वेक्टर है, ओपी इक्वल टू क्या आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके एक्स एक्स के साथ, आई आई एक्स एक्स के साथ एक्स वाई जेड, किस एक्स के साथ ओपी का आई के साथ क्या है, क्या आएगा ये एक्स आई सहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई। अच्छा, जब ये फॉर्मूला में पढ़ रखा है आई डॉट आई इक्वल टू वन इक्वल टू जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होता है वन, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू जीरो, इफ डॉट प्रोडक्ट द सेम इक्वल टू वन और सेम अगर अलग अलग है तो क्या आता है जीरो, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस इसकी इन दोनों की क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहां से इक्वल टू इक्वल टू क्या आएगा इनका रूट क्या आएगा
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट अक्रॉस इंटू आई मोड आई इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा इंटू कॉस थीटा आ जाता है। अच्छा थीटा आई और जे आई की वैल्यू है तो ये है इनके दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा अल्फा आ रहा, ये एंगल क्या बता था मैंने अल्फा आ रहा था, तो ये क्या था आई डॉट आई एक्स डॉट आई, ये तो एक्स आई डॉट आई क्या आ गया एक्स आ गया, वाई जे डॉट आई ये भी क्या आ गया जीरो, के डॉट आई ये भी जीरो, ये आ गया एक्स आ गया, और ये मोड में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, अगर मोड में दे रखा हो बताया हमने पढ़ा था ये, अगर ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है इसको मोड निकालना है, तो मोड किससे निकालते हैं इसका, इसके जो कोफिशिएंट है कि आई जे के इसका स्क्वायर और इसका रूट ये आता है, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक इसी तरह से ये क्या आ जाता है यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या आएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इंटू आई, आई तो वन आ जाएगा इंटू कोस एल्फा, कोस एल्फा, कोस एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, कोस एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से कोस एल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया आ गया भाई, इनकी जो भी इसका कोफिशिएंट है और तीनों के डिवाइड कर दो, ये क्या है क्या डिसीज कह लेते हैं, क्या कहते हैं डिसीज। अच्छा अगर यानी क्या आ गया ये कोस अल्फा बराबर, क्या आ गया ये कोस अल्फा बराबर, क्या आ गया कोस अल्फा बराबर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सिमिलरली cos बीटा स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर, cos गामा इक्वल टू z का अपॉन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर, तो इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू हम जो है निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है भाई आगे एक ये तो डिग्री आ गई, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आ गई है। अच्छा अब होते हैं डीआरएम, डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं डिग्री, डायरेक्शन कोसाइन पूरा नाम लिखो, ये क्या कहते हैं डिग्री। अब होते हैं डायरेक्शन रेशियो, अब क्या नया क्या है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है डायरेक्शन रेशियो डी आर एफ, डी आर एफ डायरेक्शन रेशियो डी आर एफ, और अगर डायरेक्शन को नहीं कहता ये अगर डिजीज डी आर एस है तो डायरेक्शन ये डी आर एस वो नहीं है क्रिकेट में पढ़ते हैं डी आर एस रूल, नहीं डी आर एस कौन होता है डायरेक्शन रेशो, और डी सी डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब होता है डी सी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशो होता क्या है लेट एल एम एंड एन, एल एम एंड एन ये एल एम एन आर आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर, शॉर्ट आर डायरेक्शन कोसाइन, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर, ऑफ अ
वेक्टर आर, यानी कि अभी गिवन है ये इलेवन आर डायरेक्शन को लाइन है वो भी वेक्टर आर, ए बी सी आर थ्री नंबर, यानी कि ए बी सी आर क्या है ये थ्री नंबर है, ए बी सी आर थ्री नंबर, ए बी सी आर थ्री नंबर सच दैट ए बी सी आर, ए बी सी आर पैरेलल टू एल एम एन, यानी कि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है किसके ऑफ वेक्टर आर के, ए बी सी थ्री नंबर है, किस तरह के है ए बी सी आर पैरेलल टू एल एम एन है, देयरफॉर इस तरह के हैं, देयरफॉर इस तरह के हैं, देयरफॉर देयरफॉर किस तरह के हैं ये एल अपॉन ए, एल अपॉन ए अगर पैरेलल है एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू क्या आ गया के, ये कह दो एल एम एन हो, एल एम एन हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल वैल्यू ए के इज इक्वल टू ए के डॉट बी के कॉमा सी के, आ गई तो इस तरह के ये ए बी सी क्या आ गए, ये डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, इस तरह के ये है देन हेंस ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, एंड ए बी सी आर हेंस ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, क्या समझे इसके मतलब, अगर मान लीजिए एलेवन आर डीसी से किसी उसके एलिमेंट क्या थे डीसी से दर्शन को गई थे किसके वेक्टर के, और एक कोई आर वेक्टर है इसके अंदर क्या है ए बी सी आर क्या है थ्री नंबर है, थ्री नंबर है इस तरह के हैं ए बी सी आर पैरेलल टू एलिमेंट, ए बी सी आर पैरेलल है इसके एलिमेंट फोर की, किस तरह है एल अपॉन ए क्या है एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू क्या है के, ए एल इक्वल टू क्या जाएगा ए के, एम इक्वल टू बी के, एन इक्वल टू क्या जाएगा सी के, एलिमेंट जो है ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ ए के बी के सी के, तो ए बी सी क्या आ गया क्या यानी अगर किसी भी किसी अगर मान लिए कोई नंबर में डिसीज दे रखे है क्या दे रखे हैं डायरेक्शन को दे रखे हैं और हमको निकालने हैं डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, तो हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक कॉमन नंबर से, तो उसे क्या कर सकते तो क्या जाएंगे वो क्या जाएंगे हम जो है डी आर एस निकाल सकते हैं, यानी डिसीज किसी भी नंबर के, जैसे मान लीजिए कि जो भी डिसीज दे रखे है उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो क्या निकाल सकते हैं हम डी आर एस निकाल सकते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसके वैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग में, क्या है जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है क्या एग्जांपल है वन अपॉन रूट थ्री कोमा माइनस वन अपॉन रूट थ्री कोमा वन अपॉन रूट थ्री आर का आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर
वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर देन फाइंड डी आर एफ मीन डायरेक्शन दे ये डायरेक्शन देश निकालने हैं कोई जो है वेक्टर है कोई जो है इसके ये डिग्री दे रखे हैं क्या दे रखे हैं डिग्री कौन कौन से हैं देखो वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री और कोमा वन अपॉन रूट थ्री अगर ये डिग्री दे रखे हैं अगर क्या दे रखे हैं ये डिग्री दे रखे हैं इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे मान लिया इसमें रूट थ्री की मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या है डिग्री ये क्या है डिग्री है तो डी आर एफ फोर डी आर एफ फोर डी आर एफ के लिए क्या कर सकता हूँ मैं रूट थ्री क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वन माइनस वन कोमा वन ये हो गया फिर डी आर एफ ठीक अगर मैं यहां से टू रूट थ्री की क्या कर दू जैसे टू रूट थ्री की मल्टीप्लाई कर दू क्या कर दू फिर टू रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दू क्या आएगा टू माइनस टू और टू ये हो गए अगर इसमें लैम्डा रूट थ्री की कोई भी लैम्डा रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएंगे इसके लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा ये दिया हुआ है इसको तो इस तरह के ये जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर की हम जो है निकाल सकते हैं किसी भी सी के भी किस तरह कि अगर डायरेक्शन को डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं किसी नंबर के तो उसके डी आर निकालने हैं उस नंबर में सेम नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ठीक है भाई आगे इसका मतलब इससे एक एक थ्योरम और पता लगी क्या पता लगी थ्योरम भाई क्या है थ्योरम देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशो देर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशो ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर बट द डायरेक्शन कोसाइन आर डायरेक्शन कोसाइन आर सी भाई देर आर इनफाइन अगर कोई चीज कोई वेक्टर है वेक्टर के अंदर हम जो डी आर एफ है वो कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं किसी भी लेकिन उसके अंदर जो डिग्री क्या होते हैं यूनिक होते हैं जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने अभी एक एग्जाम्पल लेके करा था ये क्या था एग्जाम्पल ये वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री और वन बाई रूट थ्री इसके अंदर से हमने रूट थ्री की निकाल के बहुत सारे जितने भी छह मल्टीप्लिकेशन करके इनफाइनाइट नंबर हम निकाल सकते हैं ठीक है जैसे एक और निकाल सकते हैं जैसे एक एग्जांपल और पढ़ो यदि है आर इक्वल टू जो वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसके डिसीव क्या आ गए डिसीव क्या आ गए एक्स कोमा वाई यानी डायरेक्शन कोसाइन ये क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइन जानी जाएगी ये डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया इसके एक्स वाई जेड और डी आर एफ क्या आ जाएंगे इसके ये तो हो गए डी आर एफ ये क्या आ गया इसके सॉरी डायरेक्शन
रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, और डिफ्यूज कितना आ जाएगा इसके, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये कोमा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, कोमा z अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये ठीक। जैसे r इक्वल टू, जैसे r इक्वल टू क्या है, ये एक वेक्टर है 2i माइनस 3j, जेड r इक्वल टू 2i माइनस 2 माइनस j कर दो यार, माइनस j प्लस 2k, r इक्वल टू माइनस 2i, इसको यू कर लो यार, चलिए ये माइनस है ना, r इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, इसके ये डिफ्यूज और dr, डिफ्यूज क्या आ जाएंगे, पहले डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कितनी आ गई इसकी, 2 1 माइनस 2, डायरेक्शन रेशियो आ गई 2 1 माइनस 2, डिफ्यूज क्या आ गए इसके, अच्छा क्या आर का ये वेक्टर, आर का मोड क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों इसका स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस का है, तो इसी दाई रख लिया, ये इसको ये कर दो, क्या आ गया, टू का स्क्वायर 4 + 1 + 4 इक्वल टू रूट 9, इक्वल टू रूट 9 इक्वल टू 3, ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई, तो इसके डिसीज कितने आ गए, डिसीज आ गए इसके 3, ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, और इसके क्या निकालने हैं, डिसीज है वो ये x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, x x की वैल्यू कितनी है, ये 2 / 3 कॉमा प्लस 1 / 3 कॉमा माइनस 2 / 3, ये इसके, अच्छा अब देखो अगर कोई वेक्टर दे रखा है, इफ वी हैव गिवन द एनी वेक्टर द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के इज कॉल्ड टू द इज DRS, that's the coefficient, same here, the coefficient of I, J, K is called to the DRS, if here 2, 1, minus 2, and if we multiply direction ratio of any finite number, then we get this is 2/3, 1/3, minus 2/3, many more. यहां से बात समझ आ गई, स्लीपर है डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग इफ डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन direction ratio of a line joining two points P x1 y1 z1 एक Q point है, Q कहता है x2 y2 z2 Q कहता है x2 y2 z2 then vector PQ
पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन आई प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, दैट इज सी एच। क्या कह रहा है, तो वेक्टर तो याद है, वेक्टर क्या आएगा, अगर कोई डायरेक्शन इशू है, क्या है कि दो पॉइंट है ज्वाइनिंग कोई लाइन ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मान ली एक तो पी पॉइंट यहाँ है, एक ये है क्यू, ये पी के क्या दे रखे हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन, ये दे रखे क्यू के क्या दे रखे हैं, एक्स टू वाई टू और जेड टू। अब ये दे रखे हैं तो इसका जो है इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू आ गए तो ठीक है, ये निकल गया। अब इसका क्या है, अगर इसका जो है डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू के क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन y2 minus y1 comma z2 minus z1 comma ये आएंगे, ये x2 minus x1 यहां तो बात नहीं होगी, ये आ जाएंगे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, इनके क्यों वही है, इनके कोएफिशिएंट, तो ये है ना जो पी क्यू क्या आता है, ओ पी माइनस ओ पी, ये यहां से आ गया ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस सी ओ पी आया, फिर ये आ गया ये पी क्यू वैक्टर, पी क्यू वैक्टर से आ गया, मान लिया पी एक, ये पी क्या जाएगा, एक्स एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और ओ क्यू क्या जाएगा, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, पी क्यू निकाल लिया वही है एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 minus y2 आ गया, तो इसके डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो उसका आई जे के का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, दो पॉइंट है, ठीक है। अब है नया, अच्छा इसको उल्टा हो सकता है, क्या है जैसे ओपेन ओपेन डायरेक्शन कोसाइन, ओपेन डायरेक्शन कोसाइन, ओपेन डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो, और फिर डायरेक्शन को दें फ्रॉम द डायरेक्शन रेशियो, लेट लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, ये आर वेक्टर क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर आर हैविंग हैविंग डायरेक्शन को दाइन एल एम एन, हैविंग हैविंग डायरेक्शन को दाइन डायरेक्शन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एन एल एम एन एन, देन एल इज इक्वल टू ए अल्फा, एम इज इक्वल टू वही वही बताता पी अल्फा, पी एन इज इक्वल टू
पी लैम्डा, एन लैटरल, एन इज इक्वल टू ए लैम्डा, एम इज इक्वल टू बी लैम्डा, एन इज इक्वल टू सी लैम्डा। जो भी मैंने डेफिनेशन बताई थी ना कि जो है अगर जो है ये डी आर एफ है तो उससे डी साइन क्या क्या निकालते हैं उसमें, इसमें मल्टीप्लिकेशन करके यही निकाल सकते हैं किसी भी गगन गिवन देर। ठीक है, अच्छा। और अब हमने क्या पढ़ा था भाई, एग्जाम्पल पढ़ा भी में क्या पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर वन। एल की वैल्यू क्या रखूंगा, ए लैम्डा, ए लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू वन। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू वन। लैम्डा स्क्वायर फिर इन दोनों में से क्या क्या ले लूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो लैम्डा यहां से लैम्डा का स्क्वायर यहां से क्या जाएगा, यहां से लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहां से दोनों से लैम्डा दोनों से स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा, वन का वन आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या जाएगा, प्लस माइनस में किया जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहां से ये क्या आ गया, एल इक्वल टू ए लैम्डा, एल इक्वल टू क्या है, ए लैम्डा, एल इक्वल टू ए लैम्डा, एल इक्वल टू क्या है, यानी एल इक्वल टू क्या था, ए लैम्डा था, एल इक्वल टू ए लैम्डा। एल की वैल्यू क्या है, अच्छा कोस अल्फा भी तो है ये, कोस अल्फा इक्वल टू ए लैम्डा, और इस तरह सिमिलरली कोस बीटा इक्वल टू बी लैम्डा, कोस गामा इक्वल टू सी लैम्डा। इसकी ए लैम्डा की वैल्यू रख लूंगा, क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी लैम्डा की क्या आ गई, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी लैम्डा क्या आ गई, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गई कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू हम जो है निकाल सकते हैं। इस तरह अगर मान लिया, अगर मान लिया डी आर एस दे रखे हैं तो डी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या है, डी सी दे रखे हैं तो डी आर एस से भी, यानी क्या आ गया, अगर कोई में डी आर एस से डायरेक्शन कोसाइन से क्या निकाल सकते हैं, डी सी निकाल सकते हैं, और डी सी से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोथ, यानी डायरेक्शन कोसाइन इफ वी हैव गिवन द डायरेक्शन कोसाइन वी आल्सो वी गेट वी कैन गेट डायरेक्शन रेशियो, इफ वी गेट डायरेक्शन कोसाइन वी कैन गेट डायरेक्शन रेशियो बोथ बोथ आर। यदि एक एग्जांपल है, लेट क्या एग्जांपल है, लेट लेट डायरेक्शन रेशियो, लेट डायरेक्शन रेशियो आर, लेट डायरेक्शन रेशियो आर टू थ्री वन माइनस टू, डायरेक्शन रेशियो आर थ्री वन माइनस टू, डायरेक्शन रेशियो आर थ्री वन माइनस टू, फाइंड
देखो ये कोई क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें, डायरेक्शन इसे दे रखे हैं, फाइंड द डायरेक्शन को भाई, फाइंड डायरेक्शन डिजीज निकाल लिखे हैं, ये है डी आर एस, अभी बताया था मैंने वो ये ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिजीज के आगे से क्या जाएंगे, वन अपॉन क्या जाएगा, वन अपॉन नहीं थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू थ्री का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा नाइन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और ये क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर, क्या आएगा, थ्री अपॉन नाइन प्लस वन प्लस फोर, ये क्या आएगा, थ्री अपॉन क्या आएगा नाइन टेन टेन फोर फोर्टी, ये आएगा भी आ जाएगा। यानी कि अगर अगर मान लो कि वेक्टर सी का फॉर्मूला हो गया एल इक्वल टू ए वन आई प्लस बी जे बी वन जे प्लस सी वन के हुई, लेट ये कोई वेक्टर है, क्या है ए कोई गिवन वेक्टर है, आर इक्वल टू क्या है ए वन आई प्लस सी के इधर वेक्टर हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, हैविंग डायरेक्शन जैसे इधर आर having direction cosine या having direction cosine or having direction cosine or L M N L M N, ये कोई वेक्टर है R इक्वल टू ए आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये भी वेक्टर है, ये देखा वो एल एम एन आर देख है, तो इसके एल इक्वल टू क्या जाएगा, वही है एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, क्या बी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ये, अच्छा ये नहीं, अच्छा इफ ये तो एल हो गया, ये कहाँ के इक्वल हो जाएगा, ये एम के इक्वल हो जाएगा, ये कहाँ के इक्वल हो जाएगा एन, इसकी क्या लिखते हैं ए वन अपॉन इसे लिखते हैं आर का यूनिट वेक्टर, इसे एल बराबर इधर एम बराबर क्या लिखते हैं बी अपॉन आर का यूनिट वेक्टर का मोड, एन बराबर इसे कह रहे हैं सी वन अपॉन आर का वेक्टर का मोड, ठीक है, अगर मान लीजिए ये दे रखा है जो इसका डिजीज है ये ए वन लिखा फिर इसका ये मोड से डिवाइड कर दिया इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर का फिर इसी तरह से ये लिखा तो इसका मोड कर दिया ये इसके अगर डिजीज एल एम एन हो तो ये हमेशा निकाल आगे ठीक आगे बात करूँ देखो ठीक है ये एक ही फॉर्मूला हो गया तीसरा क्या है आगे बढ़े भाई
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पैरेलल वेक्टर लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पैरेलल ऑफ ए पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पैरेलल वेक्टर लेट ए एंड बी ए एंड बी यह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पैरेलल वेक्टर कैन माने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पैरेलल वेक्टर ऑफ ए पैरेलल वेक्टर ये है भी नहीं है ये पैरेलल पे ए ए ए ए ए डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर एक बी आर आर टू वेक्टर आर आर टू वेक्टर आर क्या है आर टू वेक्टर्स तो क्या आ गया अच्छा यहां पे देन बी बी लैम्डा ए लैम्डा ए वेक्टर एंड A इक्वल टू एंड B इक्वल टू A अच्छा A इक्वल टू क्या आ जाएगा मान लिया ए लेट A इक्वल टू वेक्टर क्या है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के ये ए वन ए वन ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के और B इक्वल टू अगर कोई वेक्टर है A बी आर आर ऑफ पैरेलल वेक्टर ए एंड बी तो टू वेक्टर है देन बी इक्वल टू क्या जाएगा लैम्डा ए सो देन बी इक्वल टू वेक्टर क्या जाएगा बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा की वैल्यू यहां रखूंगा क्या जाएगा ए वन आई प्लस ए टू के प्लस ए थ्री के ये आ गया लैम्डा के अंदर क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इसके में लैम्डा क्या कर दूंगा इसमें मल्टीशन कर दू बी वेक्टर क्या आ गया ये क्या आ गया बी लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा ए वन प्लस लेके आएगा ए वन लैम्डा आई प्लस ए टू लैम्डा जे प्लस ए थ्री के ए थ्री लैम्डा के या आ गया बी वेक्टर ये क्या दिखा रहा है जो डायरेक्शन रेशो है कहेंगे ए वन लैम्डा ए टू लैम्डा और ए थ्री लैम्डा है ए थ्री लैम्डा ये किस रेशो में होंगे ये रेशो है जबकि लैम्डा अगर ये कहूँ लैम्डा ए वन रेशो लैम्डा ए टू इक्वल टू लैम्डा ए थ्री इक्वल टू ए वन ए डॉट ए टू इक्वल टू रेशो इक्वल टू ए थ्री जिस रेशो में ये होंगे लैम्डा इसी रेशो में ये होंगे देन अगर इस तरह कहो देन ए एंड बी है then a and b have equals direction cosine 2 equal direction ratio then they have direction ratio they also have
दे ऑल्सो हैव सेम डायरेक्शन को भाई। अगर ये इस तरह के देखो क्या है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों जो है आर पैरेलल, आर क्या है पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो जी इक्वल टू लैम्डा ए है, ए कोई लैम्डा कोई एनी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ए इक्वल टू क्या है वेक्टर ए वन आई प्लस बी ए टू जे प्लस ए थ्री जे, बी इक्वल टू एल लैम्डा अगर पैरेलल है तो लैम्डा जो को तो ए की वैल्यू यहाँ है। अब एक लैम्डा की ये स्केलर है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्या ए वन लैम्डा ए टू लैम्डा प्लस ए थ्री लैम्डा। अच्छा अब इनकी रेशियो क्या आ गई लैम्डा ए वन इंटू लैम्डा ए थ्री, इस तरह के रेशियो होंगे। तो इनकी जो डी आर एफ है डी एफ डी आर एफ एंड डी सी इक्वल होंगे अगर दो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। यहां से बात में होगी, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी एक याद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको ये याद कर लें समझ लें, ठीक है भाई आगे बढ़े। क्या आगे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने कि अगर ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, ये पढ़ा था ना एल को क्या कर रहे हैं कोस, एक ये पढ़ा था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, वन 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 थ्री माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। इसे धर लिया हमें थ्री को, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, वन माइनस थ्री ये क्या आ गया माइनस के टू, ये क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। यानी क्या हो गया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो आ गया अल्फा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पहले पढ़ाई है, एक आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, एक ये क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। मान लिया देखो, अब मान ली ये देखो, अब ये कोई वेक्टर है यहाँ कोई वेक्टर है यहाँ, इसके इधर ये जो है ये डिफ्यूज दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं डिफ्यूज, ठीक। अच्छा इससे पहले क्या, अच्छा और जब इसके एक इधर को देखते सेम इधर को तो डायरेक्शन में होंगे ये। अच्छा अगर कोई वेक्टर के डिसीव के लिए मतलब इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए, क्या जाएगी डायरेक्शन इसकी अलग है लेकिन अगर इसके वेक्टर के डिसीव इधर गए हैं तो दूसरे भी इसके एक वेक्टर पे दो डिसीव हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी साइन रहेगा चेंज। लाइन हैज टू सेट ऑफ डिसीव, क्या लिखेंगे लाइन है लिखेंगे लाइन लाइन है टू सेट ऑफ डिसीव, लाइन है टू सेट ऑफ डिसीव, लाइन है
सेट ऑफ डिजीज, इनकी कौन कौन से, एल एम एन, एल एम एन एंड माइनस एल माइनस एम माइनस एन, जो लाइन है, लाइन है टू सेट ऑफ डिजीज, कौन कौन से होते हैं लाइन डिजीज है, एल एम एन और माइनस एल एम, क्यों रखते हैं, देखो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन के एक तो डिजीज मान लीजिए होंगे, एक इसके उल्टे होंगे डायरेक्शन में, ये ठीक है, अगर इसके एल एम एन है, इसके डिजीज कितने हैं, एल एम एन है, तो इसके डिजीज कितने आएंगे माइनस, यही बताना चाह रहा कि वी हैव एक लाइन के दो डिजीज होते हैं, सेट ऑफ टू डिजीज होते हैं, किसी होते हैं, एक तो एल एम एन है और ये क्या है माइनस एल एम एन, ठीक, ये भी नोट करो। आगे क्या है, वेक्टर है वन सेट ऑफ डिजीज, वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एन, एक जो है हर एक का डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर है, वेक्टर है वन सेट, एक जो है नहीं, एक जो है हर एक का जो है ये सेट होगा इसके जो है डायरेक्शन कोसाइन का, एक ही होगा भाई, नहीं अगर पूछे कि एक इसका डायरेक्शन को देंगे सेट होता है, एक जो है सबका होता है, यानी एक क्वेश्चन है, इफ आ यूनिट वेक्टर, इफ आ यूनिट वेक्टर इफ आ यूनिट वेक्टर मेक एंगल पाई बाई थ्री, मेक एंगल पाई बाई थ्री विद आई एंड मेक एंगल एंड मेक एंगल पाई बाई फोर विद जे, विद जे एंड थीटा, एंड थीटा विद के, वेयर थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो ये एग्जाम्पल है, क्या है, एक कोई यूनिट वेक्टर है, ये एक्स अक्ष के साथ तो क्या है आई के साथ, यानी आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये आई 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 यूनिट वेक्टर का, और जे के साथ कितना बना रहा है, ये जे के साथ पाई बाई फोर, एंड के साथ क्या बना रहा है, ये विद एक्स विद के साथ बना रहा है थीटा, एंड थीटा विद द के, वेयर थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो से पाई है, जीरो और पाई के बीच लाइन करती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, थीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू फॉर्मूला हमें पता है, थीटा वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला,
कोस स्क्वायर अल्फा क्या आता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये पढ़ लिया किसी का फॉर्मूला। अच्छा अब इनकी सबकी क्या है वैल्यू रख लूंगा, क्या आएगा कोस स्क्वायर पाई बाई थ्री प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये है पाई बाई थ्री, ये कितना है पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री को इसमें बदल के कितना आ जाएगा 180 कोण 360, ठीक ये होगा कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 180 कोण 4, 180 कोण 4 कितना आ गया 45, क्या कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर 60, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 कोण 1 एंड हाफ, वन एंड हाफ यानी वन अपॉन टू, क्या आ गया वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस कोस 50 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वन अपॉन टू का स्क्वायर कितने आ गए यहाँ से 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ गया 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसे कोस स्क्वायर थीटा को क्या कर लिया 1 माइनस 3 अपॉन 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 अपॉन 4, तो कोस थीटा इनकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस की यूनिट यह है 0 से पाई के बीच एक ही जगह ये लाई गई है, इसको थीटा इक्वल टू क्या आ गया या प्लस माइनस, हाँ क्या आएगी प्लस माइनस आ जाएगी 0 टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है कोस थीटा की, यानी हाफ भी आ गई प्लस के और माइनस के हाफ दो आ गई वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर हाफ है हाफ क्या है हाफ क्या होती है कोस हाफ की वैल्यू कितने पे होती है 60 पे होती है, कितने होती है 60 पे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 120, तो दो वैल्यू आ गई थीटा की, थीटा की वैल्यू क्या हो क्या आ गई 60 है 20। अगर कोई मान लीजिए वेक्टर दे रखा है कोई एंगल दे रखे हैं कोई एक के साथ एंगल है एक्स एक्स के साथ आई की वेक्टर के साथ तो दूसरा फाइनल चीज के साथ भी डाल सकते हैं ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा दें इसको थोड़ा सा पूरा लिखोगे सॉल्व कर लिया सिक्स फोर थीटा इक्वल टू 120 एंड 60 ठीक है आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं क्या आ गया है इफ इफ द डायरेक्शन वो इफ द डायरेक्शन रेशो इफ द डायरेक्शन इफ द डायरेक्शन रेशो ऑफ आर रेशो ऑफ आर इक्वल टू इफ द डायरेक्शन रेशो ऑफ आर If A, B, C, if the direction ratio of R is A, B, C, then R कोई वेक्टर है और इसकी direction ratio A, B, C है, R is vector is equal to क्या जाएगा ये R का वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ये आ जाएगा। आर इक्वल टू क्या जाएगा, ये वेक्टर आर इक्वल टू क्या जाएगा, ये आर इक्वल टू मोड आर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ये अगर डायरेक्शन देखिए वेक्टर आर के, ये वेक्टर आर इक्वल टू क्या जाएगा, आर वेक्टर आर इक्वल टू अच्छा अगर एक और नई चीज है प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये क्या जाएगा, एल आर क्या जाएगा, एल आर ये क्या जाएगा, एम आर एन आर प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एल आर कोमा एम आर कोमा एन आर किया जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना भैया। यहां पे बात सुनो भाई, आगे बैठे भाई। द प्रोजेक्शन सेगमेंट ये क्या, द प्रोजेक्शन सेगमेंट द प्रोजेक्शन सेगमेंट द प्रोजेक्शन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट द प्रोजेक्शन सेगमेंट और ज्वाइनिंग पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन सी एक्स वन वाई वन जेड वन क्यू कितना है, एक्स टू वाई टू जेड टू। जब प्रोजेक्शन सेगमेंट और पी एक्स वन वाई वन जेड वन क्यू एक्स टू वाई टू ऑन ए लाइन ऑन ए लाइन विद डिफीट एल एम एंड एम विद डिफीट एल एम एंड एम ए लाइन जी क्या हो, अगर इस तरह हो तो क्या जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन एल प्लस वाई टू माइनस वाई वन एम प्लस जेड टू माइनस जेड वन एम ये प्रोजेक्शन सीमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट क्या होगा, ये दो पॉइंट हैं पी और क्यू ज्वाइनिंग कर रहा है ये और फिर डायरेक्शन को होता है ये है, ये तरह की चीज है, ये पी है ये क्यू है और इसके अगर विकेट दिखी दे रखे और लाइन पर दिखी रहे कितने लाइन पे एल एम एंड एन है तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन एल प्लस वाई टू क्या आएगा प्लस वाई टू माइनस वाई वन एम प्लस जेड टू माइनस जेड वन एम, इसको भी एक पॉइंट को याद करें। ठीक है भाई, सही समझ में बात। फिर आगे
इफ एल वन एम वन एन वन एंड एंड एल वन एम वन एम एंड एन टू कोमा एम टू एंड एन टू आर इफ एल वन एम वन एम वन एंड एन टू एम टू एन टू आर द आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इफ एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू ऑफ टू कॉन्क्यूरेंट लाइन of let L1, M1, N2 and L2, M2, N2 are the direction cosine of two congruent line, then the direction cosine of the line, then the direction cosine of the line, then the direction cosine of the line bisecting the angle bisecting the angle between them are between them are proportional to then between them are proportional to L1 plus minus L2, M1 plus minus M2, N1 plus minus M2. क्या है? अगर L1, M1, N and L2, M2 are the direction cosine, ये दो चीज़ हैं, क्या है? Of two congruent lines, ये दो लाइनें हैं, उनके दिशा दे रखे हैं. Then the direction cosine of the line bisecting the other angles between them, इन दोनों के बीच के एंगल को जो bisect कर रहा हूँ एंगल, are proportional. उनके डिग्री क्या होंगे? The इन जो दोनों के बीच को लाइन को जो bisect कर रहा है, वो ये congruent line है, तो उनके जो एंगल को बीच को bisect कर रहा है, तो उसके डिग्री क्या होंगे? Proportional. किसके proportional में होंगे? L1 यानी L1 plus minus. इनका दोनों का share plus कर दो, share minus कर दो. इसी तरह से M1 plus minus M2 और फिर क्या कर दो N1 plus minus N2 के क्या होंगे proportional होंगे. ठीक, मान लिया एक ही जो है L1 M1 and N1 R जो है direction cosine एक ही लाइन है और ये क्या है दूसरी लाइन क्या है L2 M2 N2. ठीक है, और दोनों लाइनें क्या हैं congruent है, शर्त क्या होनी चाहिए that is condition satisfied to the then line R to be the congruent line. Then the direction cosine of the line bisecting angle between line को अगर पूछ है bisect कर रहा है उसके बीच का angle, ये line है माने दूसरे congruent line है, इसको जो bisect है इसका angle है ये theta, यो आर जो angle जो bisect कर रहा है ये bisect कर रहा है, then perpendicular to proportional to, proportional to किस किसके होगा L1 plus minus L2, M1 plus minus M2 plus M minus N2. ठीक है, तो इसके बराबर हो ठीक है भाई, और तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में कुछ और के पॉइंट्स होंगे टॉपिक होंगे उसको पूरा करेंगे. ठीक है, फिर जाके इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे पहले. ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, थैंक्स.